मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा ये क्वेश्चन नंबर टू है। फाइंड द डी टी वी इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। इसमें उसने क्वेश्चन नंबर आपको टू के अंदर तकरीबन ए बी सी डी और एफ डी एफ तक दिए हुए पार्ट्स। आपने डी टी वी इनवर्स इसका जस्ट फाइंड करना है। जैसे हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते थे वैसे ही आपने डी टी वी इनवर्स फाइंड करना है। अब फॉर एग्जाम्पल देखें ना, ये आपके पास ये पड़ा हुआ है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, जस्ट वही नेगेटिव मैट्रिक्स उसकी बनानी है और वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। यानी अगर ए है तो इसको माइनस ए कर देना है और इसके अंदर आप सबके साइन चेंज कर देंगे तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ये लें, ये जस्ट इसका, ये आपका नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स दोनों सेम होते हैं, बस जस्ट नाम में डिफरेंस है, बाकी काम एक ही होता है। ये आपके पास ये मैट्रिसेस है, आपने जस्ट इसके साइन सबके चेंज कर देने हैं। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये देखें ना, प्लस का जो साइन है वन के साथ, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस का साइन होता है, तो लिहाजा इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब आप इन सवालों सब को देखें, आपने कोई किसी वैल्यू को चेंज नहीं करना, जस्ट आपने सबके साइन चेंज कर देने हैं। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा देंगे तो ये उनका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप सबको देखें और ख़ुद से इन सब को सवालों को आप कर लें, एक एक मतलब सवाल खुद करें और उनका साइन चेंज करते जाएंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।